अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2050 वो साल जब भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। 2050 वो साल जिस साल भारत में हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। 2050 वो साल होगा जब हिंदुओं को अपने ही देश से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा और भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। यही वो डरावनी बातें हैं जिन्होंने भारत के हिंदुओं की नींद हराम कर रखी है। इन्हीं बातों की वजह से भारत के 100 करोड़ हिंदू सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों से डरे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्या वजह है इस डर की? वजह है मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या वाकई में आने वाले 26 सालों में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे? क्या वाकई में भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको सबूत के साथ वो सच्चाई दिखाऊंगा जिसको आपके सामने जानबूझकर नहीं लाया गया। 2050 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 2010 से 2050 के बीच मुस्लिमों की आबादी 73% बढ़ेगी। वही क्रिश्चियंस की आबादी इसी दौरान 35% तक बढ़ेगी, जो दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन है। हिंदू 34% तक बढ़ेंगे और वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग हो जाएंगे। बता दें कि फिलहाल भारत दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, किसी भी देश की जनसंख्या का घटना या बढ़ना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे उस देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट, एजुकेशन लिटरेसी, हेल्थ वगैरह। हिंदुओं को अक्सर ये कहकर बेवकूफ बनाया जाता है कि 2001 में तो हिंदू 80.5% थे जबकि मुसलमान सिर्फ 13.4%। मगर 2011 में हिंदू घटकर 79.8% पर आ गए। इसका मतलब हिंदू घट रहे हैं और मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो 50 से 60 सालों में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, ये डाटा तो सही है मगर इसके आगे पीछे का सच जानबूझकर छुपाया जाता है। वो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। 1981 से 1991 और 1991 से 2001 के सेंसस के मुताबिक हिंदुओं की तादाद बढ़ने की रफ्तार में 2.8% की कमी आई, जबकि मुसलमानों की तादाद बढ़ने की रफ्तार में 3.4% की कमी आई। और 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के इन 20 सालों के दो सेंसेस से ये पता चलता है कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट 3.1% से कम हुई, तो वही मुसलमानों की ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार 4.9% से कम हुई है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि मुसलमान हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ नहीं रहे बल्कि बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। जैसे जैसे मुसलमानों में लिटरेसी रेट, हेल्थ एक्सेस बढ़ेगा, वैसे वैसे मुसलमानों की ग्रोथ रेट और कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों की तादाद बढ़ना बंद हो जाएगी और एक फिक्स परसेंटेज पर आकर रुक जाएगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2100 के करीब मुसलमानों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 18 से 20% पर आकर रुक जाएगी और हिंदुओं की तादाद 75 से 77% पर आकर रुकेगी। इन सरकारी आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होंगे। हिंदुओं को तो बस वोट के लिए बेवकूफ बनाया जाता है और ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर बेवकूफ बनते रहते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि हिंदुत्ववादी नेता हिंदुओं को ये कहकर डराते हैं कि मुसलमान मर्द 4-4 पत्नियां रखता है और 40-40 बच्चे पैदा करता है। आप खुद गौर करिए, आपने अपने आस पड़ोस या पूरे शहर में कितने ऐसे मुसलमान देखे हैं जिनकी 4 पत्नियां हैं? लाखों में मुश्किल से कोई एक मिलेगा। मगर फिर भी हिंदुओं को ये बात इस तरह बताई जाती है जैसे भारत का हर मुसलमान 4-4 पत्नियां रखता है। एक ही मुश्किल है संभालना, 4-4 कहां से संभाल लेंगे? खैर, इस चीज को हम फर्टिलिटी रेट से समझ सकते हैं, यानी एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चों को पैदा करती है। आप हैरान हो जाओगे कि जिस बात से हिंदुओं को डराया जाता है हकीकत उससे एकदम उलट है। भारत सरकार के मुताबिक यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 1992-93 में हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.3 और मुसलमानों में 4.4 थी। यानी 1992-93 में
एक हिंदू महिला औसतन 3.3 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि एक मुस्लिम औरत औसतन 4.4 बच्चों को जन्म दे रही थी। 2005-06 आते आते हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.3 से घटकर 2.7 पर आ गई, जबकि मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 4.4 से घटकर सीधे 3.1 तक आ पहुंची। प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा, आप फर्क देखिए। हिंदू महिलाओं में सिर्फ 0.6 बच्चों की कमी आई, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 1.3 बच्चों की कमी आ गई है। फर्टिलिटी गैप देखे तो 1992-93 में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं में ये गैप 1.1 बच्चे का था, वो 2005-06 में घटकर सिर्फ 0.4 का रह गया। यानी कि हिंदू और मुस्लिम महिलाएं लगभग सेम तादाद में बच्चों को जन्म दे रही है। ये आंकड़े तो 2005-06 तक के हैं। आज की करंट सिचुएशन देखे तो अब तक ये अंतर भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि मुसलमानों में लिटरेसी, एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में बहुत सुधार आया है। परिवार जितना गरीब, जितना अनपढ़ होता है, उनमें बच्चों की तादाद उतनी ही ज्यादा होती है। भारत का मुसलमान आज भी गरीब है और सबसे कम पढ़ा लिखा समाज है, इसीलिए मुसलमानों की तादाद बढ़ती है। मगर आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज एजुकेट होगा, तब जनसंख्या भी नियंत्रण में आती रहेगी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि भारत का मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण में हिंदुओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत का हिंदू जब तक बीजेपी आरएसएस के झूठे जाल में फंसा रहेगा, तब तक देश बर्बाद होता रहेगा। बीजेपी आरएसएस के नेता हिंदुओं को मुसलमानों की तादाद का डर दिखाकर सत्ता में जमे रहेंगे। वो कभी भी एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। जिस दिन करेंगे उसी दिन सत्ता गवा बैठेंगे। भारत में मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं से इसीलिए भी ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम समाज में बच्चों की मृत्यु दर हिंदुओं की तुलना में कम होती है। इसके अलावा हिंदू समाज में गर्भपात यानी माँ के पेट में ही बच्चे को मार देना मुसलमानों से ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में हिंदुओं में सेक्स रेशियो 1000 मर्दों पर 939 औरतें हैं, जबकि मुसलमानों में सेक्स रेशियो 1000 मर्दों पर 951 औरतें हैं। यानी मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की तुलना में औरतें ज्यादा जिंदा रहती है। एक और डाटा देख लीजिए, हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि मुसलमान परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग नहीं करते, इसीलिए उनके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। मगर आप सरकारी डाटा देखिए, 1992-93 में लगभग 41.6% हिंदू लोग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते थे, जबकि 27.7% ही मुसलमान फैमिली प्लानिंग करते थे। मगर 2005-06 का डाटा बताता है कि हिंदुओं में 57.8% लोगों ने फैमिली प्लानिंग की, जबकि 45.7% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग को अपनाया। आप अंतर देखिए, 1992-93 से 2005 तक हिंदुओं में फैमिली प्लानिंग करने वाले लोग 16% ही बढ़े, जबकि मुसलमानों में 18% बढ़े। यहाँ भी मुसलमान हिंदुओं से बेहतर साबित हुए। तो अब ये कहना कि मुसलमान 4 बीवियां रखकर 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात दुनिया की सबसे झूठी बात होगी। यकीनन भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के डेवलपमेंट में अड़चन पैदा करती है, मगर जनसंख्या के नाम पर सिर्फ एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना जाहिल सोच को दर्शाता है। द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन रिपोर्ट में कहा गया, 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन 35% के रेट से बढ़ेगी। अगर मौजूदा ग्रोथ रेट 2050 के बाद भी बरकरार रहती है, तो 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले होंगे। 2010 में दुनिया में 1.6 अरब मुस्लिम और 2.17 अरब क्रिश्चियन थे। अगर दोनों धर्म अपनी मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते रहे, तो 2070 तक इस्लाम को मानने वाले लोगों की तादाद क्रिश्चियन से ज्यादा होगी। रिपोर्ट कहती है, दूसरे धर्मों की तुलना में इस्लाम फॉलो करने वालों में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। इस्लाम में 34% पॉपुलेशन 15 साल से नीचे वालों की है, जबकि दुनिया में 15 साल से नीचे एवरेज 27% पॉपुलेशन है। दूसरे धर्मों के मुकाबले मुस्लिमों में ज्यादा आबादी प्रजनन कर रही है और उनके पास भविष्य में भी इसके लिए ज्यादा वक्त है। क्रिश्चियनिटी को मानने वालों में नास्तिक बनने वालों और दूसरे धर्म को अपनाने वालों की तादाद बढ़ सकती है। करीब 4 करोड़ लोगों के क्रिश्चियन धर्म से जुड़ने की संभावना है, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के इससे दूर जाने की आशंका जाहिर की गई है। भारत में 2050 तक
यानी 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले ही मेजॉरिटी में रहेंगे। 2050 तक मुसलमान कुल आबादी का करीब 30% यानी 30% यानी 2.8 अरब होंगे। ईसाई 31% यानी 2.9 अरब रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब जरूर